बनाओ 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 बनाओ। क्या हो गया, दारू पी रहे मंदिर में? देश के साथ आए व्यक्तियों में से सब एक बात होकर माहौल खराब करने की नीयत से और जान से मारने की नीयत से बिना पूछे हमें। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले जलबुर्ज में शराब पार्टी के फोटो और वीडियो खूब वायरल हुए। जन जन के मोबाइल में ये वीडियो पहुंच बना चुके थे। इसी को लेकर काफी हंगामा भी हुआ और विवाद अब तक जारी है। मंदिर परिसर में एक छत पर शराब पार्टी करते दिखे धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना सहित कुछ लोगों पर ये आरोप लगे। पुलिस में परस्पर एक दूसरे पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। अब दिनेश मकवाना ने गुरुवार को अपनी सफाई दी है। सफाई में उन्होंने जो कुछ कहा वो हालांकि थोड़ा गले उतरता नहीं है, क्योंकि जाहिर है छवि तो बिगड़ी है। धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग जब इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो माहौल कुछ ऐसा ही हो जाता है। फिर अब इस बदनामी को मैनेज भी तो करना है, तो भैया क्यों ना इसका टॉपिक ही बदल दो, घुमा दो बात, सिंपल। अब आपको ये बताने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हिंदू मुस्लिम से बढ़कर कोई हॉट टॉपिक तो क्या ही मिलेगा। तो लपक लिए इसी पर और कह डाला कि हमलावरों में एक मुस्लिम युवक की भागीदारी थी और ये बताते हुए इसे हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश करार भी दे दी। समाज में सब तरफ किरकिरी का शिकार हो रहे मकवाना ने कहा कि अनजान लोग शराब की बोतलें लेकर छत पर चले गए। बोतलें हटाने के लिए वे ऊपर गए थे, तभी एक मुस्लिम युवक और 10-11 बदमाशों के साथ जितेश आ पहुंचा। उन्होंने बातचीत करते करते ही सर पर लाठी मार दी। अंधेरे में भागते हुए बदमाशों ने उनको रथ यात्रा और जन्माष्टमी पर तवज्जो नहीं देने पर हमला करने की बात कही थी। अब ये मुस्लिम कैरेक्टर अचानक कहां से उत्पन्न हुआ, ये तो स्वयं महादेव ही धरती पर अवतार लेकर बता सकते हैं। कहानी में अचानक से ट्विस्ट आ गया। अगर चलो कोई ऐसा युवक था भी तो पहले क्यों ये बात सामने नहीं आई, ये तो पहले ही दिन बोलने वाली बात थी ना। अब तक तो सारे हिंदू संगठन धज्जियां उड़ा चुके होते इस बात की, धरना प्रदर्शन हो जाते, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब दिनेश मकवाना जी इसे हम क्या समझे, कहीं जिम्मेदारों और हिंदू संगठनों का ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई इस बार तो अपना ही सिक्का खोटा है, तो बेहतर है कि चुप ही रहा जाए। जगदीश मंदिर के धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने बताया कि जितेश राज दहिया उर्फ साहेब ने जन्माष्टमी और रथ यात्रा कार्यक्रम की भव्यता को टारगेट करते हुए हमला कर दिया। शराब पार्टी के सवाल पर उन्होंने सफाई देते हुए भी कहा कि उस दिन भोजन प्रसादी का कार्यक्रम 6 बजे से शुरू हुआ और रात तक चला। इस बीच अनजान लोग शराब की बोतलें लेकर छत पर चले गए, मैं उनको वहां से हटाने के लिए गया था। जितेश के साथ आए व्यक्ति सभी एकमत होकर माहौल खराब करने की नीयत से हमारे बिना पूछे ही सीधे छत पर पहुंच गए। हम भी दौड़कर ऊपर गए तो मारपीट करने लगे। मकवाना ने कहा कि जितेश के सभी साथी समिति द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और हमारी धर्मोत्सव समिति को बदनाम करने की नीयत से ये सब कुछ कर रहे हैं। मकवाना ने कहा कि मैं और मेरी समिति के कोई भी सदस्य धर्मस्थल के दुरुपयोग के सख्त खिलाफ है। इन व्यक्तियों द्वारा अपने कृत्य को छिपाने के लिए घंटाघर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उन्होंने जातिगत गालियां और मारपीट करने की बात कही, जो सरासर गलत है। उनका आरोप है कि पूरे जलबुर्ज क्षेत्र में हमेशा भारी मात्रा में नशेड़ियों और गंजेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। वैसे तो वीडियो से गलती साफ नजर आती है, बाकी पुलिस अनुसंधान कर ही रही है। कोई मुस्लिम युवक अगर होगा तो पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी और उचित एक्शन भी ले लिया जाएगा, लेकिन तब तक जनता को यूं गुमराह न किया जाए। इतनी विनती है, बड़ी मुश्किल से जनता का जनजीवन जो है वो पटरी पर लौटा है, इसमें फिर उबाल लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी बता देना चाहिए आपको कि ये बात अगर झूठी निकली तो फिर क्या किया जाए। देश के साथ आए व्यक्तियों में से सब एक बात होकर माहौल खराब करने की नीयत से और जान से मारने की नीयत से बिना पूछे हमें, हमको जब आपको कोई आपत्ति थी या ऊपर को आपको पता है ऊपर को बैठा, हमको जानकारी नहीं थी ऊपर को बैठा, जब आपको कोई आपत्ति थी हमको नीचे पूछा दिए ऊपर कोई शराब पीना, हम भी आपके साथ जाते हैं, आपने डायरेक्ट उनसे जाकर मारपीट कर दी।